काल जी, थोड़ी सी लेट हो गए हम लाइव आने से ना। ये ब्राउनी, आप सबको ब्राउनी का तो पता ही है ना। तो ब्राउनी को जोई ने मारा था, इसका ना मुंह पे, इसके मुंह पे सारी स्वेलिंग हो रही है इधर, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, सुधरते नहीं है ये। जोई 2 मिनट, ब्राउनी को देख लो, ब्राउनी है ना ब्राउनी। ये ज़्यादा शरारते करती है, दूसरे डॉग से पंगे लेती है, तो कई बार आपको पता है जैसे स्पेस की वजह से इन सबको इधर उधर ही रखना पड़ता है ना, तो इसको चोट लगी पड़ी है अभी। बाकी दवाई हम साथ के साथ दे देते हैं, इसका सारे मुंह पे ना स्वेलिंग आई हुई है इधर। पग ये मेरे पैरों में बैठे, मैं दिखा देती हूँ वो भी। चल जाओ 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 जाओ, जाना जाना तुम, 1 सेकेंड, जाओ 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 जाओ। आई लव यू माई डियर बेस्ट फ्रेंड। आज मैंने वैसे ना लाइव दूसरे एक मैंने सेशन रेडी किया था, मैंने उसके लिए लाइव आना था, बट शाम से ना, लाइक जब से लड्डू के ये सिम्टम्स ज़्यादा हुए हैं ना, लाइक मेरे को भी, जैसे उसको तो इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को उसका सोच सोच के दिक्कत हो ही जा रही है। तो क्या कहते हैं अपना, मैंने उसकी वीडियो डाली थी थोड़ी देर पहले लड्डू की, उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मेरे को ना याद करके रोना आ जाता सच्ची में। तो वीडियो डाल, मैं पता क्या हुआ, मतलब परसों की बात है, मैं ना अपने आप को ना बड़ी स्ट्रोंग मानती हूँ ना, बट जब बात इन बच्चों की आती है ना, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, तो लड्डू रोज की तरह ना मेरे साथ ही सोता है। तो मेरे साथ ना वो सो रहा था, तो लाइक सुबह मैं ना 7-8 बजे एक बार उठी, तो जब मैं उठी ना, तो जैसे उसका मुंह ऐसे ऐसे, वो कुछ बोलते हैं ना, वो अपने मुंह को ऐसे हिला रहा था, उसके ना मुंह से झाग आ रही थी। तो जैसे ही मैंने उसको देखा ना ऐसे, तो फटाफट मैंने उसकी वीडियो बनाई डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं ना उसको उस सिचुएशन में देख के ना इसलिए डर गई, क्योंकि आप सब लोगों को पता है ना मैंने जोजो का टैटू बनवाया है, तो जोजो को फर्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मतलब जैसे लड्डू को हुआ था ना, जोजो को फर्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। मेरे को नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, मैं डॉक्टर से, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, डॉक्टर हॉस्पिटल में एंट्री नहीं देते थे, तो बेचारा, चलो उसको तो इलाज नहीं मिला ना, इस करके चला गया। जैसे ही मैंने लड्डू को देखा, मेरे को सीधा हिट किया जोजो, तो मैं फटाफट, मतलब मैं दिन में, उस दिन इतनी बिजी थी, मेरे को इतने सारे काम थे, मैंने इवनिंग में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स की, उसको मैं लेके गई, धक्के से मैंने डिस्टेम्पर टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरे को डाउट था कि जो जोजो के साथ हुआ था वो इसके साथ ना हो गलती से भी। चलो जी, टेस्ट उस करवाया, नेगेटिव आया, तो उसको घर लेके आई मैं। जब से मैं उसको घर लेके आई हूँ ना, वो लाइक आप सबने वीडियो तो देखी होगी ना, लाइक ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिसने वीडियो ना देखी हो ना, तो उसको ना पेट में जैसे दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे पूरी रात ऐसे रहे, पूरी रात, मतलब मेरे को उसको देख देख के दिक्कत। सुबह फिर मैंने इतने सारे डॉक्टर को फ़ोन किया, कोई बोल रहे है उसको रेबीज है, कोई बोल रहे डिस्टेम्पर है, और क्योंकि मेरे को ना, देखो मेरे को, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है ना, लेकिन मैं उसकी जितनी भी, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, मैं जोजो से रिलेट कर रही हूँ। जोजो ने क्या किया था, लाइक इसको ऐसे होने के बाद ना, उसने अपनी लेग्स पे वेट लेना बंद कर दिया था, तो सेम इसके साथ भी अभी ऐसे ही हो रहा है। खा प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो रेबीज में पानी के छट्टे मारो हो ना, डॉग डर जाता है, वैसा भी कोई सिम्टम्स नहीं है। और एक बात मैं और सब लोगों को बता देना चाहती हूँ, लड्डू को मैंने जिस जगह से रेस्क्यू किया था, करण लेक के पास जो सामने क्वार्टर्स हैं, मैंने इसको वहाँ से रेस्क्यू किया था, सेम जगह पे लड्डू को मैंने किया था, 22 अगस्त को रेस्क्यू है ना, सेम उस जगह पे ना 15 दिन बाद एक डॉग थी लूसीफर, आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा होगा, मैं लूसीफर, जब मैं फीडिंग पे जाती थी तो मैं लूसीफर करके उसका नाम लेती थी, वो डॉग रेबीज के साथ उसकी डेथ हो गई। मेरे को नहीं पता था उसको रेबीज है, मैं उसको डॉक्टर पे भी लेके गई, ट्रीटमेंट करवाया, एंड में पता लगा कि उसको रेबीज है, वो बेचारी चली गई। तो अभी मेरे को लोग ये भी बोल रहे हैं कि सेम डॉग रेबीज से मरी है,
सेम जगह से तू एक बच्चा उठा के लेके आई है ना। और कभी भी पता क्या होता है, लड्डू की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी क्योंकि जब से ये घर में आया था इसकी टांग कटी हुई है, ब्लीडिंग होती थी। जब भी कोई डॉग स्ट्रेस में होता है उसको वैक्सीनेट हम नहीं करवा सकते, डॉक्टर ने मेरे को बोला था, तो वैक्सीनेशन नहीं हुई लड्डू की। अभी मतलब एक घर में जब 25-25 बच्चे होते हैं, कोई आपको बोल दे इसको डिस्टेम्पर है, मतलब एकदम से दिमाग में कितनी चीजें हिट करती हैं भाई कि बाकियों का क्या होगा। आप मानोगे नहीं, पूरे ऊपर वाले फ्लोर पे सारी बेडशीट, सोफे के कवर, हर चीज उठा के हमने लाइक वॉशिंग मशीन में रख दिए। सुबह वॉश करेंगे, पूरे फिनाइल के साथ साफ कर रहे हैं, सैनिटाइजर मंगवा के सबको सैनिटाइज कर रही हूँ क्योंकि ये ना हो कि बाकी बच्चों को कोई दिक्कत आ जाए। ये मेरे पैरों में बैठी हुई है, रुको मैं इसको दिखाती हूँ, आएगी नहीं शायद इसको ना, एक तो हाई मम्मी है फंस गई, रुको मोटो ये रही, ये देख लो इसको, दो मिनट लो जा बच्ची, दो मिनट। इस बच्चे को मैं इस रूम के अलावा बाहर नहीं रख सकती क्योंकि बाहर ग्रिल्स हैं, बाहर ये इसको दिखता नहीं, ये गिर जाएगी। पीछे मैंने अभी लड्डू को रखे है, मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को रखने के लिए। मतलब अगर एक साइज के डॉग हो ना, सारे घूमते रहे मस्ती में, प्रॉब्लम कहाँ आती है? बड़े डॉग, छोटे डॉग, मतलब कि अब ये अभी पीरियड्स पे आई हुई, इसको बड़े डॉग्स के साथ नहीं रख सकती, वो तो पागल हो जाएंगे। मतलब कितनी दिक्कत रहती है। ये वही पग है जिस जो लोगों ने डंप कर दी थी और अब पता नहीं कितने ओनर इसके जिंदा हो रहे हैं अभी, तो इसके कान वान देख लो सब ठीक हो गए। इतना सा आपका ना, इतना सा एफर्ट किसी की जिंदगी बना सकता है। वो बोलते हैं ना कई बार, अगर आप थोड़ी स्पीड कम स्लो करके चलाओगे एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ चीज़ें बच जाएंगी, कुछ फेक आईडीज़। एक सेकंड रुको, मतलब या मैं मर रही हूँ, मतलब मेरे डॉग की तबीयत खराब है ना। लाइक मुझे नहीं पता, मतलब कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि लड्डू बचेगा नहीं। सीरियसली बताऊँ तो मतलब मुझे इतने सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि दो ही चीज़ों में सस्पेक्ट है, या तो रेबीज या डिस्टेम्पर, और दोनों ही बीमारियाँ इतनी गंदी हैं। और मैं फिर बोल रही हूँ, मैं अपनी तरफ से ना एंड तक कोशिश करती हूँ, चाहे किसी भी भाई को कहीं भी कौन से जाके, जहाँ भी डॉक्टर बैठा हो मैं हमेशा जाती हूँ, मैं पीछे नहीं हटती। कल रात को आई थिंक 9:30-9:30 बजे घर आए हम इतनी लेट। मतलब यार कैसे हैं, मतलब कोई अगर अपने पल्ले से कोई चीज़ कर रहा है, अपना टाइम लगा दिया, अपनी ज़िंदगी लाइक मैंने बच्चों के नाम लगा दिए, तो भी लोगों को इतने गिले शिकवे रहते हैं। कुछ लोग आके मेरे फेस पे कमेंट करके चल जाते हैं, हाँ मेरे फेस पे दाग है, देख लो आप भी देख लो, ये मेरे फेस पे दाग है, ये टिंगू ने मारा था, ये ब्राउनी ने मारा मेरे को इधर, मारा इन द सेंस कि जब हम ऐसे लेटे होते हैं तो ये बच्चे खेलते हैं तो इनके नेल्स वगैरह लग जाते हैं। इट डजंट मीन कि लाइक है ना, तुम कुछ भी बोल के चले जाओगे, मेरा फेस मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को मेरा फेस पसंद है, तुमने क्या लेना भाई। अमृतसर में जब मैं गई थी तो हम बाहर मार्केट में घूम रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऑब्वियस थोड़ा कि हम कोई लाइक वो लोहे का या प्लास्टिक का मेकअप लगा के घूमते हैं जो 24 घंटे मुँह पर मेकअप लगा रहेगा ना, तो मेकअप हट जाता है भाई। आपकी जनानियाँ भी लगाती होंगी, बहनें भी लगाती होंगी, ये थोड़ा कि 24 घंटे उनका मुँह पूरा वो चिट्टा ही करके घूमती रहती हैं, हट जाता है मेकअप। मतलब लोग मेरे मुंह पे कमेंट कर रहे हैं कि तेरी शक्ल कैसी हो गई है, कुत्तों के साथ रह रहे कि तू भी कुत्तों जैसी हो गई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ को ना कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। कुत्ते आज के टाइम में ना इंसानों से ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मैंने उस वीडियो में कोई मतलब लोगों को लेना देना ही नहीं है। मेरे मुँह पर दाग है, मेरे को जेनेटिक इशू है भाई, मेरी मम्मी के फेस पे ये छोटे छोटे मार्क्स हैं तो मुझे भी हैं, तो किसी को क्या दिक्कत है भाई। ऐसे किसी का फेस मत जज किया करो, उसके काम देखा करो। अगर तुम्हारे तो ना तो फेस ढंग के ना ही तुम्हारे काम ढंग के हैं। तो अभी जोई सोई हुई है, टिंगू को नीचे भेजा, मैं लड्डू को एक बार आपको दिखा दूंगी क्योंकि ज़्यादा मैं उधर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं पूरा एक बार उसके पास गई थी, पूरी सैनिटाइज होके फिर मैं दोबारा कहीं गई थी, तो ऐसे मैं नहीं जाऊँगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। डॉक्टर ने मुझे ना कल शाम तक बोला है वेट करने के लिए लड्डू के बारे में, अगर उसको डिस्टेम्पर हुआ ना 100% तो मुझे उसको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेम्पर आपको पता है कि एक डॉग से दूसरे डॉग में जितनी जल्दी जाता है ना, आप बिलीव भी नहीं करोगे। कई बार तो भाई इतना मूड खराब हो जाता है ना, मतलब पूछो ना यार। मैं ना आज कुछ बोलना भी चाह रही हूँ और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, बहुत दिक्कत है।
और भाई ये बंदरों बुंदरों का मत बोलो प्लीज, जिस बच्चे की जो जगह उसको रहने दो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, जिनके बच्चे गए हैं उनको परवाह नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तुम अभी भी भेड़ चाल में चल रहे हो, तो जीने दो सबको, सबको जीने का अधिकार है। अगर आपके आसपास किसी बच्चे को रेस्क्यू करना हो तो उसको रेस्क्यू किया करो, उसका ट्रीटमेंट करवाया करो, ये भेड़ चाल में चलना बंद कर दो, ये नहीं सुधर सकते कभी भी। दुनिया कहाँ के कहाँ पहुंच गई है, ये दो गलियों में फिरी जा रहे हैं, वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। मैं टेंशन नहीं ले रही, बट मैं सोचती हूँ ना यार, है ना, 4-5 महीने एज क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, कुछ जिंदगी में देखा नहीं है ना, एकदम से कोई गंदी बीमारी आती है, छूके चली जाती है, इन्फेक्शन छोड़ जाती है ना, टेंशन दे जाती है, मतलब मैं जब भी उसका नाम लेती हूँ ना, मेरी ना वो हो जाता है सीरियसली। और मैं लोगों को लाइक स्ट्रांग बनाती हूँ यार, मैं लोगों को बोलती हूँ स्ट्रांग रहो, टाइम आता जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ना जब भी उसका फेस देखती हूँ ना, वो बिल्ली बिल्ली आंखें सी, मेरे को कुछ कुछ होता है यार। चलो मैं बच्चे दिखाती हूँ दूसरे, है ना, ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाएगा नहीं तो। और प्लीज प्रे करना, मैंने देखा हुआ है कई बार ना, दवाइयाँ भी काम नहीं करती वहाँ पे, जहाँ पे प्रे काम कर जाती है, बोलते ना वो दुआ भी लग जाती है कई बार जिंदगी में, जैसे कोई काम नहीं बनता, जब वो बन जाता है तो हम बोलते हैं दुआ लग जाती है ना, तो दुआ भी लग जाती है। मैं किसी से मैसेज किया कि दीदी तुसी आज सोने लगन दे हो, सोनी मैं उन्होंने लोगों को लगनी हाँ जेडे लोग एनिमल्स नू प्यार करते हैं, है ना, जेड़े नफरत करते हैं ना उन्होंने कितने यार, वो तो मैनू गाला कटते हैं रोज़, कई लोग कहते हैं साढ़े पिंड का नाम आवे, साढ़े इतने कुत्ते ने इन्हों आ के लै जा, मतलब किवें किवें लोग करते हैं ना, मतलब असं अपनी जिम्मेवारी निभानी है, रोज़ लाइव आ के इन्ने तुम्हें भाषण देना, टाइम क्ढना, क्यों क्यों करते हैं ना। मैं ये थोड़ा कि गौरमेंट ने मैनू पूरे इंडिया के डॉग्स का एनिमल्स का टेंडर देता है, नहीं ना, आज जिन्हें भी एफर्ट्स हो रहे हैं इस टाइम मेरा मूड नहीं है, मतलब जिमें मैं अपने आप को दिल खुश करके लाइव आनी हूँ, मैं वो भी नहीं आई सीरियसली। मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि एक अवेयरनेस आए, अज मैं इतने बैठी हूँ, कल की पता कोई होर कुड़ी आके बवे, है ना, मैं कल किसी कुड़ी का लाइव देखती होव या किसी मुंडे का लाइव देखती होव कि जेडे खुद बच्चों रेस्क्यू करते हैं, तुम लोग भी नोटिस करो कि जदों का यह दौर हूँ वादा पे तो किन्ने पेज मिलने, किन्ने सारे पेज, किन्ने सारिया आइडिया ने एनिमल लवर्स दियाँ, अज तो 1 साल पहला, 1.5 साल पहला, करोना तो पहला कोई पेज नहीं सी, बहुत घट होंगे सर ना, हुण किन्ने वध गए ने, इस करके रल मिल के एक अवेयरनेस लेके आओ कि एक बंदा किते भी नहीं पहुँच सकता ना, लेकिन सारे बंदे सारी जगह तो पहुँच सकते ने, इस करके हर फैमिली चो कोई एक अद्धा बंदा उठ के अगर इन्हें बच्चों वास्ते आवाज़ चकेगा, इन्हों केयर करेगा, तो की पता आने वाले 10 साल 15 साल इन्हें बच्चों की जून सुधर जाए ना। सो थोड़ा जा करया करो तुसी भी, बाकी मैं बच्चे दिखानी हाँ, लड्डू ठीक हो जाए तो मैं यार तुम पार्टी दांगी सच्ची च ना, मेरे घर आ जाए सारे जने, साला बहुत बुरा लगता यार, वो जो ना सच्ची में दिल च पीड़ होंगी है ना, दिल च मुझे एक डॉग चाहिए, एक नस्ल वाले मेरे तो दूर रहा करो, सानू आ नस्ल का चाहिए, पहले अपनी नस्ल वेख लिया करो तुहाडी कि नस्ल है, मेरा सिर पटन डे बड़ा ज़्यादा, तो मैं तुहानू दिखा लगी बच्चे, ओके दूजे बच्चे विखा लगी हाँ, तो मैं पिछली साइड ना रिम जिम चीकू सारे उधर ट्रांसफर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार गलती नाल भी किसी नूं कोई इन्फेक्शन होए, है ना, कम सही करते करते कम ज़्यादा बिगड़ जाए, सो हो जाता है, मैं इमोशनल नहीं होंगी बट सिचुएशन एवं दी होंगी ना, हो जाता मैं खड़ जो, मैं तुम्हें दूजे बच्चे दिखा लगी ना, एक सैकेंड आ साडा इंस्टाग्राम वाला फोन है, ओके 2 मिनट बस, मैं बाकी बच्चे दिखा लगी 1 मिनट, पहले तो मेरे कोल बैठे इन्होंने वेख लो, ब्राउनी अपने मूव खाई एक करी माने, वो लाइट दियो ब्राउनी का मूँह देख लो, लाइट करी इधर वाली रिंग लाइट करी इधर, ये बच्ची जो पग पग वाली बच्ची है ना, ये लाइट जमा कट कर दे,
ये जो पग वाली बेबी है ये एक ही दिन है ना, एक दिन में ये इतनी फ्रेंडली हो गई है, रूम में ही रहती है, पास में ही रहती है, मतलब इसको ये हो गया जैसे इसकी ओनर ही मैं हूँ सच्ची में, मतलब हम घर वाले, इतना ज़्यादा इसको प्यार आता है, मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब वैसे तो ये ब्लाइंड है 100%, अब ना जोई भी ब्लाइंड है, बट मेरे को फील ही नहीं होता ये ब्लाइंड है, क्योंकि इसको पूरे घर का पता, ऊपर वाले फ्लोर का, बाहर जाती है फ्रेश होके आके बेड पे, मतलब मैं किस दिन ना वीडियो बनाऊंगी जब ये बाहर से आके अंदर बेड पे चढ़ेगी, इसको एक एक स्टेप का पता है, कहीं भी ये धोखा नहीं खाती कि थोड़ा सा भी कि मैं लग दीवार में लग गई, कुछ भी नहीं, मतलब मैं मम्मी को कई बार बोलती हूँ कि जोई की दो आंखें नहीं, जोई की तो चार आंखें हैं सीरियसली, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं है। और ये हमारी सुंदर बच्ची बिन्नी से भी कम एज है इसकी, जूली 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 उत्थे बह जाना, तेरा मुंह खाना एक करी मैं, जूली इधर आ, चलो इधर आ जा, जूली इधर आओ, कोई कह रहा है ब्लाइंड है, जूली जूली, और इसने पैरों में आके बैठना और सोना भी यहीं पे, देखो वड़गी ना, वड़गी पैर थले, एक मिनट आ अपना मुंह सजा के लगी फिर दिए तो मुंह देख लो एक बारी, ब्राउनी खड़ जा, लाइट कम कर लिया, जूली जूली उठी उठी बह जाना उठी बह, जूली 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 जूली, मेरी भज्जी भज्जी आ जाती है, चलो मैं दूजे बच्चे खानी हूँ, मुझे नहीं लगता ये ब्लाइंड है, मतलब 100% ब्लाइंड है, मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं इसके साथ रहती हूँ ना, इसलिए ब्राउन तो टिकी रहा आगे तेरा मुंह सूज जाए, अरे माने बाहर आ जा, हम इसको बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि बाहर ही फिर बात, आपको पता है ना वो रेलिंग खुली हुई है तो गिर सकती है, इसलिए कम, और ये पीरियड्स पाई हुई ना तो पूरे कमरे में इतनी गंदे वाली स्मेल आ जाती है, बट क्या करें मजबूरी है ना, रखना पड़ेगा ऐसे हमें अपने आप को, क्योंकि इन बच्चों को तो नहीं पता ना। हाँ और सबसे एक चीज़ बताना मैं भूल गई, इसको उठा जरा पंजरा करी उधर, ये वाली कैट तो वहाँ बैठी है, पप्पी को कुछ नहीं कहती, गए ये पप्पी आप सबको याद है थोड़े दिन पहले मैं इसको लेके आई थी, इसको कीड़े पड़े हुए थे, इसके हमने मैगेट्स निकाल भी दिए थे, इसको थोड़ा बाहर निकालिए एक बार, ये आप, और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं 3 दिन के लिए अमृतसर गई थी, मैं इस बच्चे को इतना ज़्यादा ठीक करके दोबारा इसकी मदर के पास छोड़ के गई, और मैं किसी की ड्यूटी लगा के गई थी कि डेली तुमने जाके इस बच्चे को स्प्रे लगाना है और इस बच्चे को तुमने खाना दे के आना है, मतलब खाना तो सबको ही देना है, मैं फिर बोल रही हूँ ये जो एनिमल्स के साथ और बेजुबानों के साथ प्यार होता है ना, ये हर किसी को नहीं हो सकता, ये ना एक पागलपन और एक ये जो इश्क और प्यार होता है ना, ये भगवान ना किसी किसी के दिल में डाल के भेजता है, कितनी सुंदर बच्ची है देखना ये बुग्गी, और जिस इंसान को मैं स्प्रे लगाने के लिए भेजती थी पता नहीं मुझे उसने लगाया नहीं लगाया, तो कल जब मैंने बच्ची को वापस देखने के लिए भेजा मान्या को, मैं कहा बच्ची को देख क्या वो ठीक होगी है कि नहीं होगी, तो जब वो देखने गई तो इसके और ज़्यादा मैगेट्स पड़े हुए हैं, मतलब यार क्या, मतलब मेरे को ये फील होता है ये जरूरी है कि एक एनिमल लवर की जिम्मेदारी है, जो आसपास लोग रह मतलब वहाँ रह रहे होते हैं उनको थोड़ा सा भी फील नहीं आता कि हम भी अगर स्प्रे पड़ा तो डाल ही सकते हो ना, डालने में तो आपके हाथ नहीं गल जाएंगे ना आपको आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, या किसी बंदे को बोल के कोई 50-100 रुपये का बहाना ले कुछ भी लगा के उसको लेबर दे के उससे लगवा सकते हो, आपके एक एफर्ट से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, मतलब आज मैंने इस बच्ची को वापस मंगवाया, इतने कीड़े इसके मुंह पे, वो छोटे छोटे जो पिस्सू होते हैं वो चल रहे हैं, इसको हमने पाउडर लगाया हुआ है, अब देख रहे हो अगर हमें एक कीड़ी भी काट जाती है कितना दुख होता है, कितने सारे इसको और पाउडर लगाई हो, इसको हमने साइड में उधर इसके ऊपर रखा हुआ, कूलर सामने चल रहा है, और मैं इसको दोबारा नहीं छोड़ूंगी अब, और गाइस इसके जैसी ना 3 बच्चियां और, अगर आप प्लीज़ अडॉप्ट कर सकते हो तो उनको एक फैमिली दे दो, क्योंकि धीरे धीरे करके सब बच्चों का यही हाल हो जाता है, लोग सोचते हैं कि सारे बच्चे दिलजीत या और जो एनिमल लवर्स हैं वो रखें, कोई भी नहीं रख सकता इतने बच्चे, कौन रख लेगा, ज़ारा
तो ये बच्चे को यहाँ पे आराम से रखा हुआ है, खाना प्रॉपर खा रही है, ये ठीक हो जाएगी। ठीक होने के बाद अगर कोई भगवान का बंदा हुआ तो इसका अडॉप्शन करवाएंगे, बाकी देखते हैं। कुछ लोग लाइव में गलत भी बोल रहे हैं, भाई बोल लो अभी, मेरा मूड नहीं है तुम्हें रिप्लाई करने का आज। खोलिए एक बार दरवाज़ा, इधर आई थिंक 12 डॉग है, 12 बच्चे हैं इधर, शनोए, बब्बू, बगीरा, नेत्रा, वेट सर्किट, शेडो, सबको अपने पास बुला, सबको बुला अपने पास। डब्बू उधर जाओ, उधर जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, देखियो कहाँ कहाँ से निकल रहे, देख जल्दी बुला इनको अपने पास, बुला जाओ इसको, देखियो कहाँ घुस गई है, बुला है मेरे पास आ रहे, देख बड़ी मम्मी आई है इनकी, बड़ी मम्मी, बेटा उधर जाओ, सारे सबको बुला अपने पास, सबको बुलाइयो, बगीरा हाय हाय, रीम जी बच्चे उधर जाओ, चिकी चिकू ले, चिकी चिकी हट जा, मैं लाइट मार जी बाल, उधर जाओ सारे, इनको सबको बुला, ये ना सारे इधर खड़े हैं अभी, मैं सारे बच्चे दिखा देती हूँ, कितने सारे बच्चे हैं ये, इनको ये होता है कि वो आई है, पता नहीं कौन सा मैं साथ में सामान लेके आऊँ जो तुम्हें नहीं दूंगी यार, यही तो दिक्कत आती है ना, लोग बोल तो देते हैं बड़ी जल्दी, दिलजीत जी हमारे घर में डॉग है, हमारी मम्मा ले आए थे, अब हमसे संभाला नहीं जा रहा, प्लीज़ आप उसको अपने पास रख लो, अगर दिलजीत वो उन्हें पुल भुलेखे मन भी जाती है तो दोबारा कभी जिंदगी जो डॉग नहीं वेखन आना उन्होंने, आ सारे डॉग जो आए सन ना निके निके होंगे सन, भी एक एक दो दो महीने आते, किन्ने व्डे हो गए ने, कोई इन्हों का मालिक नहीं दोबारा लैन आया वापस इन्हों। सर्किट देख रहे हो, सर्किट 5-6 दिनों का था, मैं ना मुंह तोड़ दूंगी, कसा इसको पकड़ के रख, देख रहे हो क्या हाल करता, अभी तुम इधर आती नहीं हो ज्यादा, अब मैं इधर आती हूँ, इनको ये होता है कि उसको प्यार ना करे हमें प्यार कर ले, अब इतना प्यार कहाँ से लेके आऊं, बाल्टी भर भर के सबको अलग अलग कॉलों में पाकर रख दूं यहाँ पे मैं। चुनोए चुनोए देख लो, सांस नहीं आता था इसको, हड्डियां हड्डियां थी इसकी, अभी होने भी डीसी प्रधान बनया इतने, सर्किट तो शर्म नहीं होती है, ये मम्मी ने गमला लिया था जी पानी डालने के लिए, बेचारे इतरे आए है ना कुश्ती कर करके, कोको पीरियड्स पे आई हुई है, वही स्यापा मैं कहाँ किसको रखूँ, मैं तो फंस जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा, आवाज़ा कितों आ रही ने, डॉग डुग तो नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही है, सतिंदर की आवाज़ है, हाँ जा टप जाएगा तू, जा जा तुर जा तुर जा, मैं ना जा रही हूँ मानिया, तू 5 मिनट इधर रही हो, जब तक मैं खड़ी रहूँगी स्यापा करेंगे, मैं जा रही हूँ भाई, सॉरी मैं जा रही हूँ, उनको ये होता है जा रहा है इधर बंद कर ले, इनको ये होता है कि ये इधर आई है तो हमें प्यार करने आई है, देख लो हाल इनका, हे भगवान, मैं नीचे वाले बच्चे दिखा दूँ फटाफट, ये पहले खड़े हो उधर, टिंगी टिंग, ये इधर पूरा दिन लाइन लगा के खड़े होते हैं कि हमें एंट्री ऊपर की चाहिए, लेकिन मैं एंट्री नहीं दे सकती इनको, काट जा इधर पर, आ थोड़ा एक सेकंड मैं फ़ोन की सेटिंग कर लूँ, एक मिनट, हाय वे जा रहा, वो बैठी है ब्राउनी, लड्डू ना इधर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसके बैक साइड में बालकनी में मैंने रखा है उसको भी, गद्दा वद्दा बिछा के, नीचे वाले माने बंद करिए, नीचे वाले बच्चे दिखा दूँ मैं फिर बताती हूँ आपको, डुग्गू को ऊपर वाली स्किन में बाल नहीं आए, बाकी सारे बाल आ गए, किसी ने तो डुगू को भी बोला था मैं थल्ले ना जावा, ना कई बार तुम सीढ़ियों से गिर जाते इनके चक्कर में, चल ये इनका अड्डा बना हुआ यहाँ बैठने वाला, ये सारे इकट्ठे होकर यहाँ बैठते हैं, कितनी बारी हम ना सीढ़ियों से गिर गए हैं, चल चल टिंग, ओ सॉरी टिंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्लैकी जी की जी, हाँ बड़े दिन बाद गाना गाया तू, हाँ बड़े दिन बाद गाना गाया तू, रांची
रांची रांची रांची काटी बिन्नी टिंगू डुगू ब्लैकी, ये सारे नीचे की फोर्स है। उत्ते नहीं चले तुसी, जिथे मर्जी जाओ उत्ते नहीं जाओगे। ओके बार वाले बच्चे दिखा दूं। जैम्बो जैम्बो कौन होया मम्मे जरा किधर है मम्मी? अरे माने जैम्बो के पास चले, काफी लोगों ने मेरे को बोला था कि जैम्बो के पास जाना है एक बार। जल्दी आ, जा रहा कहाँ पे है? जा रहा कहाँ पे? जा रहा का ध्यान रख, कांटो बाहर नहीं आए। ये बार वाली टीम, मिन्नी कांटो की मम्मी, कांटो की बहन, बहन की लड़की और भाई, बाप इनका, ये सारे ये रे। देख रहे हो कितने सारे डॉग हैं। अगर हम गाइस इतने बच्चों की टेंशन ले सकते हो तो आप थोड़े क्यों ले लिया करो एक अद्धे की। सराजा मान्या ये बाहर इनके डोंगे पड़े रहते हैं। कुछ लोग मेरे को, मेरे से तंग भी हैं भाई। मैं फिर बोलती हूँ कि मेरे को आप एक एक बच्चा रख लो रेस्क्यू करके, मेरे को दिक्कत नहीं है। मिन्नी हूँ मैं डिग्गा लगे सा तो मेरा बूथा थले वजना सी। ओके पेड़ केड़ा मैं माड़ा दस्या जे जैमी जैमी जैम्बो। ये इसके मंजे पे कौन रख के गया? अभी बिट्टू के काम होंगे। आया कूलर लगा जैमी जैमू, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया जी। मैं क्या इसको अपने पास बुलाई एक बार, थोड़ा दरवाजा बंद करके बुलाइयो। जैम्बो ये जैम्बो देख लो भाई, जैम पर मेरे हाथ में लाइट है तो लाइट मारे किधर, पकड़ मैं इसको हाथ मारूं ध्यान से। जैमी 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 जैम्बू मेरे सोना बच्चा जैमी, ओए जैमी जैमी जैम्बू 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 बहुत प्यार ना, इसको दूर से कैसे दिखाऊं ना। जै मेरे बच्चे, ओए जैम्बो लाइट दे दे, इधर डर रही है, देख डर रही है डर रही है। जैमी मेरा पुत्र सोना, सारे कपड़े गंदे करते सुनो ना। जैम्बू चलो 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 चलिए चलो चलो। ये डरता पता किससे है? डब्बी से। जैम्बू डब्बी डब्बी किथे डब्बी किथे डब्बी डब्बी ला जरा डब्बी लियावा डब्बी लियावा। इसको हमारी गली वाले बच्चे भी जब इसको डराना होता ना बोलते हैं डब्बी लेके आए। जैम्बू डब्बी डब्बी जरा दे तू मेनू डब्बी किथे डब्बी लियावा। अगरबत्ती से डब्बी से आग से, अब दिवाली आने वाली है ना, मेरे को टेंशन हो रही है, इतना डरता है दिवाली में ये बहुत ज़्यादा। जैम्बो आया था हमारे घर 2015 जनवरी में, हिसाब लगा लो है ना कितने साल हो गए, 6 साल 7 साल हो गए ने साढ़े घर इनू। जब भी आया था तभी 2.5-3 महीनों का था। जैम्बो हुश हुश आया जैम्बो हुश जैम्बी जैम्बी। चलो मैं चली हूँ आने, इन्हें ना एवं करते रहना, किस दिन मेरे नाल नाल देख लो किस दिन मैं ना दूरों दूरों वीडियो बनावांगी थी। जै मैं चली हूँ पर आ जा जा जै मैं चली हूँ जै मैं चली बाय जैम बाय बाय मेरे को बुला बुला इसको बुला बुला अपने पास बुला डर के लिए बुला ना जब खुश 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 बुला बुला पूछ ला रहा कुछ नहीं कहता बुला लेना सिर पे हाथ लगा ले जा जैम चलो चलो मैं लाइव बस एंड कर रही हूँ जैम के पास होके जाके। चलो जी बाय जैम आई एम गोइंग बाय बेबी भी खाना पानी आएंगे बस बाय बेबी। ये सेंट बर्नार्ड है, जब भी आया था तब तो हमें ब्रीड्स का भी नहीं पता था, बहुत छोटा सा क्यूट सा था ये, तब बस एक ही दो ब्रीड आई थिंक पॉपुलर होती थी, वोडाफोन वाला डॉग एक दो और सर ना। ये बहुत ज़्यादा क्यूट था, हमें तो पता भी नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके डर के मारे ना कोई भी नहीं आता हमारे घर में, मतलब दूसरे घर में ना कोई भी नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि सारे इससे डरते हैं। लड्डू को दिखाना, रुक मैं शिट मैं तो लाइव एंड करने वाली थी, रुक रुक मैं लड्डू के पास जा रही हूँ। सारे देखो अब मेरी बात सुनना एक है ना,
मैं एक चीज बताने वाली थी, अभी ये वाले डॉग ना सारा दिन सारी रात यहाँ बैठ के राखी देते हैं, समझ रहे हो? ये देखो चार बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, राखी दे रहे हैं, और हमारी गली में मैं बता देती हूँ ये वाली बाइक, और जितनी भी बाइक खड़ी है ना सारी रात ऐसी खड़ी रहती हैं, और किसी की मजाल है कि कोई अनजान बंदा यहाँ आके किसी बाइक स्कूटी को भी हाथ लगा दे? अब ये स्कूटी भी मेरी खड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें बाहर खड़ी रहती हैं इन बच्चों की प्रोटेक्शन में। ये बच्चे कितना प्रोटेक्ट करते हैं, और लोग इन्हें फट से ला के डंडे मार देते हैं। हाय मैंने साथ चढ़ गया। दो दिन पहले क्या हुआ था, दो दिन पहले रात को ना ये कोई भी अननोन डॉग आता है तो ये बच्चे आपको पता भौंकते हैं, तो किसी वो बट्टा तुमने फेंक दिया, देखिए जरा बड़ा अंदर है। हाँ मैंने अंदर चेयर पे रखा था, दो दिन पहले की बात है। आई नो ये भौंकते हैं, सब लोगों को पसंद नहीं है। ये भौंकते क्यों हैं, जब कोई अनजान बंदा या अनजान जानवर गली में आता है तो इसको भौंक के एक हमें इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं कि गली में कोई अनजान आदमी आया है ना। तो दो लेडी थी, मुझे ये नहीं पता वो लेडी कौन थी, उन्होंने एक इतना बड़ा बट्टा था, मेरे को मिल नहीं रहा अभी कहाँ पे है, वो पड़ा है क्या अंदर? ये मैंने रखा था, मैंने एज एन प्रूफ रखा था कि दिखाने के लिए था इसको। रांची को तो जान दे। हाँ ये वाला बट्टा, रुको मैं दिखाती हूँ। ये अब देख रहे हो कितनी बड़ी ईंट है। लाइट पकड़ी एक बारी, मैं हाथ में पकड़ के दिखाऊँ जरा। मतलब ये फ्री, ये सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ है, आपने इनको एक रोटी देनी है, रोटी भी नहीं दोगे ना पूरी गली में, अगर एक फैमिली रोटी दे रही है तो कोई कुछ नहीं करने का यहाँ पे। ये बट्टा आप देख रहे हो, दो जनानियाँ थी, मुझे नहीं पता कौन सी जनानियाँ थी क्योंकि मेरे घर के बाहर कैमरे नहीं लगे हुए। उन जनानियों ये बट्टा उठा के मिन्नी को मारा, भगवान का शुक्र है उसको लगा नहीं है ये, सीरियसली। और एक इससे भी बड़ा था, ये तो मेरे को मिला और मैंने रख लिया यहाँ पे, कि कितने हरामी हैं लोग आज के टाइम में, उनको शर्म नहीं आती। तुम वैसे कुछ यार उनको डरा दो, हप हप करके कुछ बोल दो उनको, ये बट्टे मारने का क्या मतलब बनता है? एक तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए फ्री के, उसके बाद तुम्हें ये चीज़ें करनी होती हैं, हद ही है लोगों की। जा रहा कितने वे, मैं फटाफट ना परा हो जो यार, चिमड़ चिमड़ के मिन वेखी, अब पूरी फोर्स पीछे आ रही है मेरे, लाइट बंद हो गई, कैसे दिखाऊँ मैं? ये देख लो मैं ऊपर जा रही हूँ, सारी फोर्स पीछे, ये देख लो सारे जड़ पीछे आ गए। मानिया तू मत इधर आई, मैं उधर लड्डू वाली साइड, क्योंकि मैं सैनिटाइजर ही जा रहा, देख किधर है लाइट, लाइट तो है। ब्राउनी तू पर उधर उधर, मेरे को भी सारा सैनिटाइज होना पड़ेगा ना। हाय लड्डू 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 मेरे बच्चे, लड्डू लड्डू मेरे चूने बच्चे। हाँ जी मेरे बच्चे, क्यों हुआ जी, क्यों हुआ मेरे बच्चे नू, सह चढ़ गया मैंने पूरा। लड्डू मैंने तो ये तक सोच लिया था कि अगर इसको डिस्टेम्पर या रेबीज़ है ना, तो मैं किसी ऐसी ऐसे घर में या कहीं भी कोई रूम लेके जितने दिन ये है ना मैं वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि मैं इसको ना किसी को भी ऐसे हैंड ओवर नहीं करना चाहती। क्योंकि जब आप एक बच्चे को प्यार करते हो, अपने साथ रखते हो, आप एकदम उसको किसी पिंजरे में बंद करके किसी के हवाले कराते हो, वो खुद ब खुद मर जाता है, क्योंकि वो छोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने ये प्लान किया है कि भगवान ना करे इस बच्चे को कुछ हो, कुछ भी होता है, मैं इसके आखिरी टाइम तक इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहती यार। इसका फेस तो देख लो एक बार, है ना कितना लाइक। बुगू बच्चे ठीक हो जाए जल्दी जल्दी तू, ओके छेती ठीक हो जाए मेरे पुत्र ने कुछ नहीं है, है ना मेरा बुग्गा, छेती ठीक हो जाएगा ना, छेती ठीक होएगा मेरा बच्चा। अब मेरे हाथ पे भी देखो कोई डॉग डूग का लग गया होगा कुछ। भाई अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको मुंह भी गंदा होएगा, सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी थोड़ा कि मैं 24 घंटे तैयार शार होकर रहूँगी। बाहर जाना पड़ता है मिट्टी में, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है बच्चों को जब उठाते हैं। एक टाइम था हम भी साफ सुथरे होते थे, लेकिन अब ठीक है भाई, सिचुएशन के साथ डलना पड़ता है अपने आप को। लड्डू मेरे पुत्र छेती ठीक हो जाए मेरे पुत्र, छेती छेती है ना। किन्ने लोग तेरी वेट कर रहे ने, इन्ने लोगों के मैसेज आ गए ने कि लड्डू नु की होया है ना। हेलो कर दो, हेलो कर मेरे बच्चा, हेलो कर दो मेरे बच्चा। अब इसको ना पेन कम है, पेन पून इसको ज़्यादा नहीं है ऐसे। अभी इसने मैंने इसको वो कटोरी में डाल के ना कटोरी भर के दही दिया था खाने के लिए, दही सारा खा गया ये। हाँ जी की है की मेरे बच्चे नु, की मेरे बच्चे नु नी की ची, मेरे सोना पुत्र, मेरे सोने पुत्र नु की ची।
ये जैसे झटके मारते हैं ना एकदम, ये देखो ये डिस्टेम्पर का होता है मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर आप लोगों को भी नॉलेज हो तो बताना थोड़ा सा। जैसे ही लेटा हुआ ना एकदम इसकी बॉडी शेक करेगी एकदम। लाडी ओए लाडी, लाडी मेरा पुत्र, शेर पुत्र, शेर मेरा सोना बच्चा है ना, सोना मेरा बच्चा, छेती छेती ठीक हो जा तू है ना। चलो मैं अभी मूव कर रही हूँ, लाइव एंड कर रही हूँ, कपड़े चेंज करके खुद को सैनिटाइज करके देन मैं अंदर जाऊँगी। अभी आराम से लेटा हुआ है, प्रॉपर ये बिछा रखा मैंने इधर ऊपर भी छत है, ये नहीं कि मैंने इसको ऐसे फेंका है, खाना पड़ा हुआ है जिसको मैं देखती रहती हूँ, शीशे में से देखती रहती हूँ इसको। मेरे बच्चे हाँ जी हाँ जी, चलो मैं अभी लाइव एंड कर रही हूँ, मैं कल इसको दोबारा किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाती हूँ, नहीं तो मैं कहीं कमरा लेके ना अलग ही इसको रहने लग जूँगी, क्योंकि डिस्टेम्पर और बच्चों को भी फैल सकता है और मैं नहीं चाहती और बच्चों को, और मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मैं कुछ ऐसे अरेंज कर रही हूँ कि जहाँ मैं इसको लेके इसके ट्रीटमेंट तक अलग रहूँ। सो ट्राई करते हैं अब क्या होगा, एंड अभी के लिए मैं लाइव एंड कर रही हूँ, कल मैं आपको अपडेट देती हूँ, ठीक है, बाय बाय।